हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो ब्लोअर है बार बार बंद क्यों हो जाता है, बार बार ऑटो कट क्यों हो जाता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ये जो प्रॉब्लम है ब्लोअर में बहुत बार आती है, तो मैं आज इसके बारे में आप सभी को बताता हूँ। चलिए इसका कवर खोल लेते हैं। ये जो ब्लोअर है पहले भी मैं रिपेयर कर चुका हूँ, आपने वीडियो में देखा होगा। ये सबसे पहले मैंने जंपर बार डाली थी। इस ब्लोअर का रिपेयर का वीडियो आप आई बटन में देख सकते हैं, मैं आई बटन में इसका वीडियो डाल दूंगा। फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये बार बार ऑटो कट क्यों होता है। कोई भी ब्लोअर हो ऑर्बिट कंपनी का, ऑटो कट हो जाता है। तो इसमें दो जगह थर्मोस्टेट डाले गए हैं और इसका डबल एलिमेंट है। आप ध्यान से देखिए, ये नीचे जो है इसका थर्मास्टेट है, जो इसका बटन है हम 1K पे चलाते हैं तो ब्लोअर जो है अच्छा खासा चल जाता है, और जब 2K पे चलाते हैं तो एक या दो मिनट के बाद ये ऑफ हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है ये जो ब्लोअर है। ये जो प्रॉब्लम होती है नए ब्लोअर पे नहीं आती है, जब ब्लोअर पुराना हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसका भी कारण है, चलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि क्या कारण होता है। तो उसका ढक्कन हमने खोल लिया है, तो आप ध्यान से देखिए फ़ैन में डस्ट जमा है। इसी डस्ट के कारण फ़ैन की जो हवा है वो कम हो जाती है, प्रॉपर तरीके से हवा जो है बाहर नहीं निकलती है। आप ध्यान से देखिए, ये जो एलिमेंट है इसमें भी कार्बन जम जाता है और इसी कारण से हवा जो है बाहर नहीं निकल पाती। तो ये जो थर्मोस्टेट होता है ये सेंस कर लेता है जो हीट होती है, और ऑटो कट हो जाता है ये जो ब्लोअर है। सबसे पहले हम एलिमेंट को खोल लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके फ़ैन को खोल के अच्छी तरह से फ़ैन और एलिमेंट की सफाई करेंगे। तो चलिए, हमने एलिमेंट निकाल लिया है। दोस्तों ये देखिए, एलिमेंट में भी ये एक थर्मोस्टेट लगा होता है, थर्मोस्टेट के आगे ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होती है। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये जो डस्ट है, डस्ट तो जल के इसका कार्बन बन जाता है, और प्रॉपर तरीके से आप जानते हैं कि गर्म हवा होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, और अपने आप ये जो है ऑटो कट हो जाता है। तो उसकी हम सफाई कर लेते हैं, और उसके बाद हम फैन की सफाई करेंगे। तो आप ऐसे ही फ़ैन को साफ़ कर सकते हैं, इसकी डस्ट जो है निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ़ैन को ओपन करके ही साफ़ करूंगा। फ़ैन के नीचे दो स्क्रू लगे होते हैं, इन स्क्रू को खोल के हम फ़ैन ऊपर खींच लेते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं स्क्रू ओपन कर लेता हूँ। तो ये अपने आप ही ये जो वायरें हैं वो निकालना पड़ेगी, वायर निकाल के ये फ़ैन जो है बाहर निकल जाता है। देखिए दोस्तों, फ़ैन के नीचे बहुत सारी डस्ट जम जाती है, तो आप जानते हैं कि जो डस्ट होती है वो फ़ैन की जो हवा है कम कर देता है। तो हम अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे, फिर मैं इसको फ़ैन को फिर से दोबारा लगा दूंगा साफ़ करके। और ये जो आप ध्यान से नीचे फ़ैन के नीचे छेद हैं, इन्हें भी हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, ये जो जालियां बनी होती हैं। ये रहा दूसरा थर्मोस्टेट, इसकी भी हम अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे, ये जो प्रॉब्लम है ऑटो कट की ये दोबारा नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम इसको असेंबल कर लेते हैं फिर से। हमने जैसे जैसे ये खोला था वैसे ही इन सभी को असेंबल कर लेंगे। तो इसका एलिमेंट हमने ऐसे ही सेट करना है। दोस्तों, हमने ब्लोअर की सफाई जो अच्छी तरह से कर ली है, ये जो डस्ट थी यही इसकी प्रॉब्लम होती है ऑटो कट की,
ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी जब तक ये साफ़ रहेगा, ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं बनेगी। फ़ैन की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और हम चाहे नंबर 1 पे चलाएं या नंबर 2 पे चलाएं, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।